कुछ ही समय पहले खबर आई है कि जो वन रक्षक पाल है राजस्थान की, जो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट आ गई है, और उन सभी के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो देखते हैं, उससे नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 11/3/2022 को ये नोटिफिकेशन, यानी कि आज के दिन ये नोटिफिकेशन डला है। और ये वनपाल और वन रक्षक की सीधी भर्ती 2020 की जो भरवाई गई थी उनकी विज्ञप्ति के बारे में यहाँ पे आ गया है। जैसे कि अनुसार यहाँ पे की जो पद हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे कुल 99 पदों व वन रक्षक के अतिरिक्त 1200 पदों को सम्मिलित किया गया है, और कुल 2300 पदों पर भर्ती हेतु पुनः पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, मतलब पुनः वापिस फॉर्म भर सकते हैं, जिसने भी नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। उनकी विज्ञप्ति ये यहाँ पे जारी कर दी गई है, और यहाँ पे एग्जाम की डेट भी डाल दी गई है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले तो अभी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। और जो इससे रिलेटेड है, जो वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है उनसे रिलेटेड कुछ विशेष नोट्स दिए गए हैं यहाँ पे, प्रदेश हेतु जो एडिट कर सकते हैं। देखो, अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करते हुए ऑनलाइन आवेदन में संशोधित एडिट करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे में विद्यार्थियों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अपना ऑनलाइन में अपनी श्रेणी में वांछित संशोधन कर सकते हैं। पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है, ये याद रखिएगा। आवेदन जो भी न्यू स्टूडेंट है वो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, रुको मैं बताता हूँ आपके बारे में, इसके बारे में भी। तो देखो, यहाँ से हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। जो वन रक्षक पाल की है उसमें जो परीक्षा शुल्क जमा कराने में ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि इस प्रकार से दी गई है कि यहाँ पे जो इनकी 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म भरा जाएंगे, यानी कि 29 तारीख 2022 तक फॉर्म आप भर सकते हैं, शुल्क जमा करा सकते हैं, यानी कि 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 14 तारीख से तो आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, सब कुछ। परीक्षा का महा और दिनांक आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये तो याद रखिएगा कि 14/3/2022, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। और इसकी जो मतलब जो वनपाल और वन रक्षक के पदों की भर्ती संभावित माह में अक्टूबर 2022 को आवंटित केंद्रों पर करवाई जाएगी, ये इसमें बताया गया है कि दिनांक के बारे में। ये भूतपूर्व सैनिकों से रिलेटेड इसके अंदर डिटेल्स दी गई है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, थोड़ा इसको और आगे कर लेते हैं। ये बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग पे आर्थिक कमजोर से लाभ हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में दी गई है इसके अंदर। तो और क्या क्या इसमें रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप देख लेते हैं इसके अंदर, अभी बताते हैं आपको। अंतिम तिथि से पूर्व होना आवश्यक है इन सभी के बारे में, यानी कि जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश के 15 के अनुसार ये सब डिटेल दी गई है, ये तो आपको पता ही होगा सभी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी देख लीजिए इसके अंदर। ऑनलाइन की प्रक्रिया दी गई, जिन विद्यार्थियों ने वनपाल वन रक्षक की विज्ञप्ति यानी कि 2022 में जो भरी थी उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा। जिसने पहले भर दिया उनको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये जो मैं उसको कर रहा हूँ, यानी कि अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करने की सुविधा दी गई है। पुराने व नए जो आवेदन में स्वयं का पिता नाम, मतलब माता का नाम, नाम के अलावा जो भी आपको करेक्शन कराना है, वह निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया आवेदन की प्रक्रिया के समान ही रहेगी। 7 दिन के पश्चात तब तक संशोधन शुल्क 300 रुपये आवेदन जमा करा कर सकते हैं। त्रुटि या इस स्तर पर ऑनलाइन ठीक कराना होगा, इन सभी प्रकार की जानकारी इसके अंदर दी गई है। तो यह याद रखिएगा कि आवेदन कराने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले के विद्यार्थी हैं उनको आवेदन कराने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस प्रकार से करा सकते हैं।
ये जानकारी दी गई इनके अध्यक्ष के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। तो आप इसमें क्या है, ऑन अभी जो 2300 पे भर्ती होगी यानी कि, और इसके अंदर पदों जोड़ दिए गए हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आप इसको देख ही सकते हैं, इसके अंदर पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2300 पदों पर भर्ती है तो पुनः आवेदन मांगे गए हैं। तो आज की डेट है, आज ही आया है। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।